हैं कि नेक्स्ट जॉब हम, और जो लास्ट का सेवंथ पॉइंट है, ये सबसे जरूरी पॉइंट है, ये चलते हुए बिजनेस को रोक देता है। आपने बिजनेस करना है तो आपने सबसे पहले एक प्लान किया होगा वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में दो तरह की कॉस्ट ऐड होती है, एक फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को अलग कर लीजिए, वेरिएबल जो कॉस्ट है उसका कितना जस्टेशन टाइम है। हो सकता है कोई सर्विस इंडस्ट्री है उसका 2 साल हो सकता है, कोई ट्रेडिंग है हो सकता है उसका 2 महीने हो, 2 महीने में ही आपको रिटर्न आने लग जाए। मैन्युफैक्चरिंग है हो सकता है साल हो, तो डिपेंड करता है आप कौन सी इंडस्ट्रीज में है। तो हर एक इंडस्ट्रीज का अपना एक जस्टेशन टाइम, उतना आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए अगर आप बिजनेस को अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं। ये अगेन 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। और अगर आप पे वो है कैपिटल तो आप इसको 20 में से 20 नंबर दीजिए। लेकिन इसमें आइसिंग और केक वाला क्वेश्चन और है, आपकी इस कैपिटल में से आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए मेरे को हर महीने सैलरी चाहिए, मेरे को घर चलाना है। अगर ऐसा सोचेंगे तो यू विल बर्न योर ओन कैपिटल। आपके घर चलाने के 2 साल के पैसे अलग से चाहिए आपको। अब हो सकता है आपकी वाइफ जॉब करती हो तो यू कैन चेक, और अगर वाइफ बिजनेस में आना चाहती है हो सकता है हस्बैंड जॉब करता हो तो यू कैन चेक कि क्या इंडिविजुअल सैलरी से घर चल जाएगा। अगर नहीं चलेगा तो कितने पैसे और चाहिए। वो जो भी घर का ओनर है, जो ड्राइविंग फोर्स पे है, वाइफ है या हस्बैंड है, उसके अकाउंट में पहले दिन से डाल दीजिए। बिकॉज व्हेन यू विल बर्न द कैंडल फ्रॉम बोथ द एंड्स यू विल बर्न योरसेल्फ। और इसमें 20 में से मार्किंग कैसे करनी है, आपके पास पूरी कैपिटल है, उस कैपिटल को आप 3 तरह से डिवाइड कीजिए। 1, मान लो सर्विस है उसका जस्टेशन 2 ईयर का है, तो जस्टेशन में आप 0 मानिए कि आपको कुछ नहीं आने वाला 2 साल, तो क्या मैं सरवाइव कर जाऊंगा। इफ यस मेक इट 20 नंबर। दूसरा, नहीं मैं 1 साल तक तो सरवाइव कर जाऊंगा, बट 1 साल के बाद कुछ तो इसमें से क्वेश्चन चाहिए, गिव द 50% नंबर, 10 नंबर। आपको लगता है नहीं मैं तो सिर्फ 5-6 महीने काम कर पाऊंगा, तो इसको 2 या 3 नंबर से ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि हम अपने आप से ही फिर झूठ बोलने की कोशिश करें। ये सारे क्वेश्चंस के जो जो नंबर आते हैं इनका टोटल कीजिए। अगर वो टोटल 80+ है, बहुत ही बढ़िया, आप सक्सेस हो गए बिजनेस में। आज ही मैं बता रहा हूं आपको एज ए कोच, आप 100% सक्सेस हो गए साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड आल्सो द फिजिकली, ड्रीम लीजिए। और अगर वो 60 to 80 के बीच में आता है तो 50% चांसेस हैं यू विल विन द बैटल, क्योंकि बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी, आपका माइंड भी अप्लाई होगा, बहुत सारी चीजें ऑन द स्पॉट भी आप करोगे तो हो सकता है आप सक्सेस हो जाओ। लेकिन 59.9 नंबर है आपके, 0.9, अगेन हम वेरी स्पेसिफिक इनटू दिस, मत करिए बिजनेस। जो सेविंग्स हैं उनको भी आप बर्न कर दें, वेट करिए राइट टाइम की, जब एक साइन वेव अपर राइट पे हो देन यू कैन प्लान फॉर बिजनेस। तो आज हमने क्या क्या क्लोज किया कि आपकी जॉब क्यों गई, क्या क्या पैरामीटर थे फ्यूचर में ना जाए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमें अगर नई जॉब ज्वाइन करनी है तो किस पैरामीटर पे ज्वाइन करनी चाहिए, बिजनेस करना है तो किस किस पैरामीटर, इस रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चन बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, प्लीज शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, विल गिव द रिप्लाई ऑन दैट, विल हेल्प यू इनटू दिस। डोंट हेजिटेट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, एनी क्वेश्चन, आई विल रियली हैप्पी टू हेल्प यू इनटू दिस। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए, समय के लिए, और कोई भी चीज आपको मेरी इसमें कन्वर्सेशन में समझ ना आई हो, कोई ऐसा कम्युनिकेशन गैप लगा हो, उस मुद्दे को भी जरूर बताइए, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थैंक यू।